नमस्कार, प्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। कीमत 20 रुपया जो कि आती आपका जुर्माना 1 लाख नहीं, पहनने वाले का जुर्माना 1 लाख रुपया, ये सरसा गलत था। इसको जुर्माना को कम किया जाए उसी हिसाब से कि हर आदमी इसके डर से पहन सके। क्या इस निर्णय को वापस लिया जाए 1 लाख का? तुगलकी फरमान, सिक्योरिटी फरमान, फरमान जो है ये गलत। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। मुख्यमंत्री के आदेश को आप किस रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री जी का जो आदेश अखबार में हमने पढ़ा है कि मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख का जुर्माना और नहीं तो 2 साल का कैद जेल, या कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि जिस मनुष्य के पास मास्क लगाने के लिए 20 रुपया नहीं है पॉकेट में, जेब में, उसके ऊपर अगर आप 1 लाख का जुर्माना अगर थोप देते हैं तो वह तो एक तरह से उस गरीब का, मजबूर का हत्या करने का समान है। इसीलिए बोकारो जिला राष्ट्रीय जनता दल युवा विंग की ओर से हम मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हेमंत सोरेन जी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, पहले आप झारखंड के हर एक घर में मास्क पहुंचाने का कष्ट करें, कृपा करें। उसके बाद जो आपने फरमान सुनाया है उस फरमान को अगर आपने लागू करते हैं तो कहीं से वह उचित प्रतीत होगा। जिस घर में खाने को अनाज नहीं, पीने को शुद्ध पानी नहीं, और उस पर अगर आप एक बोझ डालते हैं कि आप मास्क पहनिए, मास्क पहनना ज़रूरी है, लेकिन अगर इस रूप में अगर कहिएगा कि मास्क पहनिए और अगर नहीं पहनिएगा तो आपको 1 लाख का जुर्माना, नहीं तो 2 साल का जेल, यह तो एक तरह से तुगलकी फरमान जैसा प्रतीत होता है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल बोकारो जिला के लोग कभी इस फरमान का समर्थन नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि जनता को हित को देखते हुए, जनहित को देखते हुए, गरीब की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, पहले हर घर में आप मास्क पहुंचाइए, हर घर में मास्क उपलब्ध कराइए, उसके बाद आप फरमान जारी करिए। यही आरजेडी बोकारो की मांग। क्या नाम हुआ? जितेंद्र नारायण यादव, संगठन सचिव, प्रदेश युवा राजा। मुख्यमंत्री के आदेश को आप किस रूप में देखते हैं? मुख्यमंत्री का आदेश 1 लाख का जुर्माना जो है सो ये बहुत ही तुगलकी फरमान है। जो व्यक्ति 20 रुपये के मांस नहीं खरीद सकता है वो 1 लाख की जुर्माना कहाँ से देगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की जेल वो खट लेगा, लेकिन 1 लाख रुपया चुकाना, उसमें भी स्थिति ऐसा है जो लॉकडाउन का मारा हुआ जनता है, किसी तो 1 लाख रुपया कहाँ से चुका पाएगा? तो ये फरमान मुख्यमंत्री जी को बदलना चाहिए और कुछ जुर्माने का जो राशि है वो उचित करना चाहिए। यही मेरा मुख्यमंत्री जी से सुझाव है। क्या नाम हो? नवीन कुमार झा। घोषणा किया इससे आपको कितना प्रभावित कर रहा है? बहुत प्रभावित कर रहा है। कहाँ से दे सकेंगे 1 लाख रुपये? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपना ये जो घोषणा किए हैं वो वापस कर दें। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि हम 1 लाख रुपये नहीं दे सकते। हाँ भाई, 1 लाख जो हम 20 रुपये का मास्क नहीं पहन सकते हैं वो 1 लाख रुपये कहाँ से दे सकते? ये जनता के साथ अन्याय है। अन्याय। क्या नाम हुआ आपका? कविता देवी। देखिए, मुख्यमंत्री का आदेश जो है उन्होंने कहा कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 1 लाख रुपया फाइन और 2 साल की सजा हो सकती है। ये हमारे झारखंड में कितने लोग अफोर्डेबल हैं कि इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? मास्क लगाना ये सुरक्षा जरूरी जरूर है, लेकिन एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर, कि ताकि मतलब लोगों को ये लगे कि भाई सजा भी हो गई, उसको मिल गया, और ये मतलब इसका पालन भी कर ले। तो ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री का आदेश है तो लोगों को मानना ही है, लेकिन ये
मतलब यथोचित नहीं है ये, उचित नहीं लगता, उचित नहीं लगता ये, मास्क हक में नहीं है, नहीं ये मास्क तो लगाना जरूरी, मास्क लगाना जरूरी है, मास्क तो लगाना ही है क्योंकि बचाव ही सोशल डिस्टेंसिंग को रखना है, जनता के हक में उचित नहीं है ये, जनता के हक में उचित नहीं है। क्या नाम होगा? पंकज कुमार। मास क्या है ना पहन ले पूरा है मास मास वाले पेपर में छापिएगा तो बेइज्जती हो जाएगा।
आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।